महान समाज सुधारक और विचारक महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। वे समाज को कुप्रथाओं और अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानताओं का विरोध कर समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में अनुकरणीय प्रयास किए। वे महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए प्रबल पक्षधर रहे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तथा उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए सामाजिक जागृति उत्पन्न करने के लिए उस समय व्यापक प्रयास किया। महिला शिक्षा, महिला अधिकारों की रक्षा तथा महिलाओं को समानता का अधिकार मिले उसके लिए उस परिस्थिति के अंदर जब महिलाओं का समानता का अधिकार नहीं था, उस समय महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम बेहद स्मरण से आज याद किया जाता है कि उनके प्रयासों के कारण समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है। आज उनकी जयंती पर हम उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए, उनके विचारों पर बताए मार्ग पर चलते हुए हम नई दिशा तय कर रहे हैं। आज देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान उस समय जब महिला शिक्षा, महिला पुनर्विवाह और महिलाओं की आज़ादी का विरोध किया जाता था, उस समय उनका योगदान आज हमें याद करता है, स्मरण करता है। और आज जब समाज में व्यापक जागृति आई है, परिवर्तन आया, महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है, महिलाओं को न्याय मिला है, मैं इस मौके पर महात्मा ज्योतिबा फूले जी को नमन करता हूँ कि उनके प्रयास हमें हमेशा नई प्रेरणा देते रहेंगे समाज में परिवर्तन के लिए। इसी तरीके से उनके विचार हमें नई शक्ति, नई ताकत देते रहेंगे। पुनः उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको विचारों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।